नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आज का वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई से हट के होने वाला है। एकदम लाइफ चेंजिंग वीडियो है, समझिए। तो ये जो वीडियो है वो मेनली मैंने बताया इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन था कि OT टेक्नीशियन क्या होता है, इस कोर्स का किससे लेना देना है, कौन कौन ये कोर्स कर सकते हैं, कितना पैसा लगता है, कितना खर्चा आता है इस कोर्स को करने में, और इस कोर्स को करने के बाद जॉब का कितना स्कोप है, कितनी सैलरी आती है, परमानेंट हो सकते हैं कि नहीं, यानी सरकारी नौकरी आपकी लग सकती है या नहीं। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो मैं बना लेती हूँ। तो ये वीडियो देख रहे हैं आप इसमें कि मेनली मशीन्स बहुत सारी दिखाई जा रही हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारा मशीन इसमें इंक्लूड किया है और ये सारा जो कुछ कुछ इसमें पिक्स ऐसी होंगी जो कि हमारी OT से ली गई हैं। देखिए ये सारी OT इस तरह की होती हैं। और मेनली OT टेक्नीशियन कोर्स क्या है, तो OT टेक्नीशियन जो है एक तरह का पैरामेडिकल कोर्स है और इसमें आपका जो है बहुत ही अहम रोल होगा OT में जो भी काम हो। सर्जरी में आप अगर काम कर रहे हैं तो उसमें आपको असिस्ट करना होगा, किसी भी सर्जरी को असिस्ट करना, मेन सर्जन के साथ में करना, ये आपका काम होता है। फिर आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट की ट्रॉली होती है, यानी कोई सर्जरी है तो उसकी ट्रॉली लगाना, यानी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगेंगे, प्लस में सुबह सुबह आके पूरी मशीन्स को चेक करना, मशीन्स को पूरी तरह से एकदम अच्छे से उसको मेंटेन करना, ठीक है। जो भी ड्रग्स हैं OT में वो सब देखने, यानी OT का जितना भी सर्जरी के टाइम में ज़रूरत पड़ेगा, जिन मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उन सबको चेक करना होता है और मेंटेन करना होता है, यानी OT में वो सभी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सभी मशीन सबको दिख रही हैं, अलग अलग मशीन, अलग अलग नाम है और उसका अलग अलग यूज है, और इन सभी का यूज सर्जरी के टाइम में, सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद होती हैं, ठीक है। तो मेनली OT टेक्नीशियन का काम होता है कि वो सर्जरी में, सर्जरी के दौरान सर्जन के साथ वॉश होगा, केस में केस को असिस्ट कराएगा, यानी सर्जन को असिस्ट करते हैं, ठीक है, यानी इंस्ट्रूमेंट देना और फिर कुछ हेल्प करना सर्जरी के दौरान में, ठीक है। प्लस में आपका जो है और काम होता है कि जो भी मशीन्स होती हैं उन्हें चेक करना होता है, उसमें क्या फॉल्ट आ रहा है या फिर सर्जरी के लिए हमारा मशीन सही है या नहीं है, उन सबको वो चेक करके और पास करता है, ठीक है। और फिर OT में जो भी इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट हो गए, इक्विपमेंट हैं, जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी प्रोसीडर हो रहा है उसमें वो सब हेल्प करते हैं OT टेक्नीशियन। प्लस में पेशेंट का जो भी प्रिपेयर करना पेशेंट को, यानी कि जो सुबह सुबह आते हैं तो OT में आए तो उनमें इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगता है, उन लोगों का कैथेटराइजेशन वगैरह होता है, तो वो सब भी OT टेक्नीशियन कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। और फिर होता है कि OT में अगर सर्जरी हो गई है पेशेंट की तो उन लोगों को शिफ्ट करना, ठीक है, तो शिफ्ट करवाना और फिर उनको वेंटिलेटर पे अगर रखना है तो वेंटिलेटर पे, नहीं तो नॉर्मल जैसे भी जिस मशीन पे रखना है उस पर वो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो मेनली OT टेक्नीशियन का बहुत ही अहम रोल है। और OT में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव मशीन हो, कोई भी मशीन हो, तो उन्हें सब चीज़ का नॉलेज रहना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी आपका सूरत देख के या फिर आपका कुछ देख के वो नहीं रखते हैं, ठीक है। OT टेक्नीशियन आप हैं तो उनको काम आना चाहिए आपको, पूरे जितने आप टैलेंटेड होंगे, जितना आपके पास नॉलेज होगा, जितना आप प्रैक्टिकली एकदम अच्छे होंगे, उतना ज़्यादा आपका वैल्यू होगा और उतना ज़्यादा आप बढ़िया सैलरी आगे कमा सकते हैं, आपकी परमानेंट जॉब फिक्स हो सकती है, ठीक है। तो सभी मशीन्स को जानना, उन्हें कैसे चलाना है, वो सभी चीज़ों को आपको आना चाहिए, और सर्जरी के बारे में तो नॉलेज होना ही चाहिए कि किस सर्जरी में कौन सा इंस्ट्रूमेंट लग रहा है, कैसे असिस्ट करना है, तो वो सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा क्या है कि OT टेक्नीशियन कोर्स को करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो आप 12th पास होने चाहिए, 10th 12th आपका PCB हो या PCM हो, ठीक है। 10th 12th आप पास हैं तो 12th में आपका PCM या PCB, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो तो भी चलेगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो भी चलेगा, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी योग्यता है, और आपका उम्र 17 साल से ज़्यादा होना चाहिए, चाहे आप किसी कैटेगरी से हों, जनरल, OBC, SC, ST या फिर हैंडीकैप्ड, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद होता है कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, तो आपका ये जो है मेरिट बेस्ड होता है या फिर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है किसी किसी यूनिवर्सिटी या किसी किसी मेडिकल कॉलेज में, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर मेरिट बेस हो रहा है तो 10th 12th में आपका अच्छा परसेंटेज होना चाहिए, तो अच्छा मेरिट अगर आपका बनेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर वही एडमिशन के लिए जितना फ़ी है उसका DD बनवा के वहाँ एडमिशन लेना रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, काउंसलिंग वगैरह होकर एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एलिजिबिलिटी है, एडमिशन प्रोसेस है। प्लस में है कि आपका क्या काम होता है वो तो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है कि OT को अरेंज करना, सर्जरी में असिस्ट करना, सारे मशीन्स को सेटअप करना, चेक करना, ये सब। फिर आपका है कि अब इसमें आपका कितना जॉब का स्कोप है, तो आप जहाँ तक जानते हैं कि लाखों करोड़ों लोग अभी अलग अलग तरह के मेडिकल फील्ड में लगे हुए हैं, तो कोई इंजीनियरिंग के फील्ड में, तो कोई जनरल कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन, सारे फील्ड में कंपटीशन है, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे कोई भी इंजीनियरिंग का फील्ड हो, चाहे फिर आपका जनरल कंपटीशन का फील्ड हो, सभी में कंपटीशन है। तो जॉब अगर आपको पाना है तो आपको एकदम अपना बेस्ट देना होगा। अगर OT टेक्नीशियन, अगर पैरामेडिकल कोर्स आप कर रहे हैं तो आप अपना बेस्ट दीजिए। यानी अब जब आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं तो आप एकदम ध्यान से सर्जरी करवाइए, OT का काम। ये मत सोचिए कि ये काम छोटा है, ये बड़ा है, ये वार्ड बॉय का काम है, ये तो बस सर्जन करेंगे, मतलब ये नहीं सोचना है कि ये मेरा काम नहीं है। छोटा हो बड़ा हो, आपको सारा काम में आप ऑब्जर्व करिए, देखिए, सीखिए, तो वो आगे जाके आपको बहुत काम करेगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग पीरियड में आप छोटा बड़ा कोई काम मत सोचिए और सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, सीखिए, और जब तक आप उसे प्रैक्टिकल यानी आप अपने हैंड ऑन प्रैक्टिस पे नहीं लेंगे, यानी आप अपने से नहीं करेंगे, तब तक आप उसे नहीं सीख सकते हैं। तो ट्राई करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल हों, यानी ट्रेनिंग पीरियड में हैं आप, स्टूडेंट लाइफ में यानी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप अच्छे से उसे ट्रेनिंग के तौर पर सीखिए, हर काम को प्रैक्टिकली आप करिए। और अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि एलिजिबिलिटी हमने देख लिया, एडमिशन प्रोसेस देख लिया, और फिर देख लिया ट्रेनिंग में क्या कैसे करना है हम लोगों को। अब जॉब का स्कोप हमें देखना है, प्लस में कितना फ़ी लगता है, ठीक है, और कितनी सैलरी मिलेगी उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए आपका इसमें क्या है कि जो आपका फ़ी लगता है वो, मतलब अगर आप सरकारी से कर रहे हैं तो 2 साल 2.5 साल मैक्सिमम आपका ये कोर्स लेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका मैक्सिमम जो है 60-70 हज़ार सरकारी कॉलेज में लगेगा। अगर आप बड़ी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपका उसमें 90 हज़ार 80 हज़ार लग जाएगा 2 साल का, ठीक है। और फिर क्या है कि अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं 6 महीने का इंटर्नशिप का, तो वो भी आपका इसमें मान के चलिए 10 हज़ार 15 हज़ार ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ले दे के अगर आप बड़ी यूनिवर्सिटी से करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आपका 60 से 80 हज़ार में हो जाएगा। और अगर प्राइवेट से करते हैं तो उसमें 1 लाख या फिर 1 लाख 1.5 लाख लग जाएगा, ठीक है। प्लस में आपका जो अपना खर्चा रहने खाने का लगेगा वो तो अलग से होगा, वो आपके ऊपर है कि आप कितना में मेंटेन कर पा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि जॉब का स्कोप क्या है, तो आपको अपना 100% दे के अच्छे से सीखना होगा, ट्रेनिंग करना होगा, तो आपका जो है जॉब 100% लग जाएगा, क्योंकि वो वैकेंसी बहुत ज़्यादा आएगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट पे हो, तो वैकेंसी आएगी और जॉब का स्कोप भी बढ़िया है। मेडिकल फील्ड में तो आप सीख लेंगे तो आपको जॉब का टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट आता है कि सैलरी कितना होगा, तो सैलरी के लिए अगर आप देखें तो आप अगर कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हैं तो 15 से 25 हज़ार आपको सैलरी मिलेगा, और फ्रेशर हैं तो 15 से 20 मिलेगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आप थोड़े पुराने हो जाते हैं तो वहाँ पे 15 से 30 तक मिलता है, 15 हज़ार से 30 हज़ार तक, ठीक है। अगर आप सरकारी हो जाते हैं, गवर्नमेंट हो जाते हैं, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 60 हज़ार 70 हज़ार ऐसे होगी, और ये लाख तक पहुँच सकता है, ठीक है, जैसे जैसे आप पुराने होंगे। परमानेंट में भी स्टार्टिंग में है तो आपको 60 हज़ार 70 हज़ार से स्टार्टिंग सैलरी होगा, और फिर 1 लाख तक 1.5 लाख तक आपको मिल सकता है आगे। और आपका प्रैक्टिकल है तो आप अगर दूसरे दूसरे हॉस्पिटल से भी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, मतलब कॉन्टैक्ट में हैं, और सर्जन के साथ अगर बहुत सारे केस करवा रहे हैं इधर उधर हॉस्पिटल में जाके, तो आपका तो वो तो मतलब वो काउंट ही नहीं कर सकते, आप बहुत ही कमा सकते हैं। तो और एक क्वेश्चन आता है कि ये लड़कियों के लिए अच्छा है या नहीं है,
तो आजकल तो लड़कियां हर फील्ड में आगे जा रही हैं, तो फिर ओटी टेक्नीशियन कौन सा बड़ा काम है? तो लड़कों के लिए अच्छा है कि उनमें जो होता है बॉडी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो वो आराम से दिन भर खड़े रह के, और बहुत ज़्यादा काम रहता है ओटी टेक्नीशियन को, तो वो कर लेते हैं। लेकिन लड़कियां भी हिम्मत रखें, और अगर उनमें जागरूकता है, अच्छे से वो करना चाहती हैं, रुचि है, तो वो अपने इंटरेस्ट के साथ आराम से इसे सीख सकती हैं, कर सकती हैं, क्योंकि क्षमता तो दोनों में बराबर है, बस मन चंगा तो हर काम चंगा। तो फिर इसी तरह से जो योग्यता है, जॉब का जो स्कोप है, जो सैलरी है, जो एडमिशन प्रोसेस है, वो सभी मैंने इसमें डिस्कशन किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।